योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा इस समय जोरों पर है, क्योंकि हाल ही में कई बड़े चेहरे भाजपा में शामिल हुए हैं, जिन्हें योगी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि अगले 10 दिन में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ऐसे में किसे किसे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जा सकता है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार के बीच हाल ही में भाजपा में शामिल हुए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी दावा किया है कि वो योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। बताया ये भी जा रहा है कि दारा सिंह को भी योगी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। आपको बता दें कि दारा सिंह पहले भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल रह चुके हैं। साल 2022 में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। बताया ये भी जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक मंत्री पद के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। अब भाजपा ने भी मंत्रिमंडल को लेकर कवायद शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काम में जुट गए हैं। ओपी राजभर और दारा सिंह के अलावा कई और अतिरिक्त मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी इस बार भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही महेंद्र सिंह ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की थी। अब योगी मंत्रिमंडल विस्तार को केंद्रीय नेतृत्व द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद अगले 10 दिनों के अंदर शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। डिप्टी सीएम ने गुरुवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसमें लोकसभा चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार के चर्चा की बात सामने आ रही है। वहीं गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई। फिलहाल सभी की नजर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर है कि आखिर किसे जगह मिलती है किसे नहीं, लेकिन ये जरूर साफ होता नजर आ रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए और जातीय समीकरण के हिसाब से योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।